हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बड़े ही दिनों बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी। और आज जैसे कि संडे है तो संडे के दिन हम कुछ स्पेशल सभी बनाते हैं। तो मेरे घर में आज जो बनने वाला है स्पेशल वो है छोले भटूरे, एंड संडे मीन्स छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बनाने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने छोले जो हैं इसको मैंने रात को ही उबाल दिया था, सॉरी जो भिगा दिया था इन्हें। तो ये 2 से 2.5 कप छोले हैं और इनको मैंने रात भर पानी में भिगा के रखा है। और अगर आपको अच्छे वाले छोले बनाने हैं तो आपको इसको ओवरनाइट सोक करना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गए हैं ये, और मैं इसको हाथ से तोड़ूं तो ये इजीली टूट भी रहे हैं। तो इसको हम कुकर में शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। इसमें शिफ्ट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे कि कुछ मसाले, खड़े मसाले। जैसे ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अपना काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है अजवाइन, और 3 बड़ी इलायची, और 6 से 7 लौंग, और ये जो 2 बड़े पीस हैं जो ये मैंने दालचीनी के लिए हैं, ये सब चले जाएगा। और इसमें जाएगा 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और ये है हमारे पास 2 तेज़ पत्ते, और 6 से 7 इसमें हरी इलायची जाएगी, ये इसमें चला गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, 1.5 गिलास पानी में 2 टेबल स्पून भर के चाय पत्ती डाल दी। आपके पास कोई भी चाय पत्ती हो वो डाल दीजिए, और उसको अच्छे से उबलने तक इसे उबालिए। और 10 मिनट तक इसे आपको उबालना है मीडियम गैस में, ताकि चाय पत्ती अपना पूरा जो है कलर फ्लेवर सब छोड़ दे। तो इसको हम तुरंत शिफ्ट करेंगे एक छन्नी से अपने छोलों में। हम जो टी बैग्स डालते हैं, एक्चुअली उनका जो कलर है और जो एक्चुअल हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसके कलर में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमने ये वाला यूज़ करना है ताकि हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले और कलर भी अच्छा है। डालेंगे नॉर्मल पानी। तो हमने पानी देखिए कितना रखना है, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे इसमें, जितना छोले बस डिप हो जाएं उतना पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि छोले फिर ओवर बॉयल हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने भर दिया इसमें पानी, और इसको हम 4 से 5 सीटी तक, और आपके कुकर में जो हिसाब से आपका कुकर है उसके हिसाब से आप इसमें सीटी मार लें। और हमारा छोले जो है वो एकदम मशीनी होने चाहिए, थोड़े अच्छे बॉईल होने चाहिए, बट ज़्यादा ओवर बॉईल नहीं होने चाहिए। तो चलिए इसको ढक्कन लगा के इसे उबालने के लिए रखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारे छोले उबलने के लिए हमने रख दिए हैं, और हम यहाँ पे अब जो भटूरे है उसका आटा जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा जो है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भेज दूंगी। तो देखिए गाइस, छोले तो उबल रहे हैं, अब यहाँ पे हम जो है भटूरे का आटा जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है 2.5 कप आटा लिया है, उसमें 1.5 कप दही ली है, और उसमें 1 टीस्पून हमने चीनी ली है, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक लिया है, और इसमें हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और 2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है। और इसको हम नॉर्मल पानी से इसको गूंद लेंगे, और इसको हम गूंद कर 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो चलिए ऐसे गूंदते हैं। तो देखिए गाइस, हमने हाफ जो है आटा वो गूंद लिया है, अच्छी से सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो देखिए गाइस, 4 से 5 सीटी मारने के बाद हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और ये देखिए उंगली से दबाने पे ही वो अच्छे से दब रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा मशी नहीं है, ये देखिए। तो ऐसे ही छोले हमें चाहिए, और इसमें से हम कोई सा भी मसाला नहीं निकालेंगे, सारे मसाले इसमें एज इट इज़ रहने देंगे। जब आप हम इसे सर्व करेंगे तब उसमें से जो बड़ी इलायची वगैरह है वो सब हटा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया, इसका तड़का लगाएंगे, बड़ा टेस्टी सा ये तेल चढ़ा दिया, तेल हो गया गर्म। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं, बड़े प्याज, और उनको मैंने मिक्सी में बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। तो ये इस तेल में चला जाएगा। तो देखिए गाइस, इस प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और अगर आपको बीच बीच में प्याज आपको ऐसा लगता है जल रहा है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें क्या किया है, जब तेल आपने अपने छोलों की क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, मैंने यहाँ पे जो तेल यूज़ कर रही हूँ वो है 1/4 कप ऑयल। 1/4 कप ऑयल में ही ये अच्छे से पकेगा, क्योंकि हम प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्याज को पकने के लिए तेल की ज़रूरत होती है। एंड वंस इन अ मंथ अगर आप ऐसे छोले भटूरे खा रहे हैं तो थोड़ा सा तेल बनता है,
तो ये देखिए इसको आप अच्छे से भून लेंगे। अगर आप कम तेल में इसको भूनना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। अगर आपको एक्चुअल मार्केट वाले छोले भटूरे का टेस्ट चाहिए तो आपको इसमें तेल अच्छी क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। तभी देखिए आपको मार्केट के छोले कितने टेस्टी लगते हैं। वो इसी वजह से लगते हैं क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है वो बहुत बढ़िया क्वांटिटी में डली होती है। तो अब हम इस प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्राउन होने के बाद। तो देखिए गाइस मुझे तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इसको अच्छे से जो है एक बढ़िया सा गोल्डन कलर भी दे दिया है प्याज को। और इसमें इस समय अब हम डालेंगे कुछ चीज़ें डालेंगे इसमें, जैसे कि ये है 1 टेबल स्पून के लगभग अनारदाना, और इसमें चला जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, ये 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें छोले मसाला जाएगा। और इसमें जाएगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जो हम हाथ से चूर लेंगे थोड़ा सा, ये 1 टेबल स्पून है, इसको मैंने हाथ से ऐसे कर लिया है और इसको डाल दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें चले जाएगा नमक, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। और इस मसाले को अब हम अच्छे से मिला लेते हैं, और तुरंत इस मसाले को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये अपनी टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 4 से 5 टमाटर को क्या किया है, पहले इसको पानी में उबाल लिया, उबलते पानी में टमाटर को डाला है और 5 से 10 मिनट उसे मैंने पका लिया है, और उसकी फिर मैंने छिलके उतार के उसकी प्यूरी बना ली। और अगर आपके पास ये प्यूरी बनाने का टाइम नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल टमाटर को भी अच्छे से पीस के मिक्सी में डाल सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने टमाटर प्यूरी डालनी है, बट फॉर दी बेट ये अपना बेस्ट रिजल्ट यू कैन मस्ट ऐड दिस काइंड ऑफ टोमेटो प्यूरी। तो ये हम इसको एक थोड़ा सा तेल छोड़ने तक इसको हम टमाटर को पकाएंगे और इसे थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये अपना जो है ऑयल छोड़ दे, और इसे हम मीडियम गैस में रखेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं रखेंगे। तो देखिए गाइस अभी ये थोड़ा सा अच्छे से पक चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने अदरक और लहसुन को क्या है ये 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 बड़ा इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने उसे चॉप कर दिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, और आपके पास रेडीमेड अगर अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया सारा इसमें, और इसे हम अच्छे से जो है मिला लेते हैं, ये देखिए। और इसको हम मिलाने के बाद हमें इसे 5 मिनट ढक के और पकाना है, और फिर हम इसमें अपने छोले पलटेंगे। इसके बाद हमें कोई सा भी इसमें मसाला यूज़ नहीं करना है, और इसमें हम छोले डाल के अपने छोले पकाएंगे। तो देखिए गाइस हमारा जो है मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है साइड से, अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, और इस पर हमने अब अपने सारे छोले डाल देंगे। छोले हमने क्या करे, आधे हमने छोले मैश कर लिए हैं, आधे हमने साबुती रहने दिए हैं, क्योंकि फिर वो मज़ा आता है जो एक छोले वाला जो हमें छोले देता है। तो अब इसमें हम सारे जो छोले हैं वो पलट देते हैं। तो देखिए गाइस हमने छोले पलट दिए हैं, अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से मसाले में, और देखिए बिल्कुल वही वाला जो फ्लेवर है, टेस्ट है, कलर वही वाला आएगा जो बिल्कुल हमारे छोले वाले के पास मिलता है। और इसको आप चावल के संग भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, आपने इसे अच्छे से मिला लेना है। और अगर आप इसको इतना ही गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप गाढ़ा रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप जो आपने जिस कुकर में पानी उबाला है, छोले उबाले हैं, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं छोले बिल्कुल ड्राई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, और ये देखिए तो देखिए गाइस हमने छोले जो है अच्छे से मिला दिए हैं, और इसको हम 10 मिनट के लिए बिना छेड़े इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे, और हमारे छोले बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए जब तक छोले पक रहे हैं हमारे, तब तक करते हैं भटूरों की तैयारी। तो देखिए गाइस हमारे जो आटे ने बहुत बढ़िया रेस्ट ले लिया है, वैसे तो 1 घंटे का देना चाहिए, इस आटे ने 2 घंटे का रेस्ट ले लिया, तो इट मीन्स ये बहुत बढ़िया फर्मेंट हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी खिंचाव वाला आटा जो है हमें चाहिए होता है भटूरों के लिए। तो आइए अब इसको बनाते हैं भटूरे,
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है सूखा आटा ले लिया है मैदा, और इसको हम अब थोड़ा अपने फ्लोर को जो है डस्ट कर लेंगे। और मैं किचन फ्लोर पे इसलिए बनाना पसंद करती हूँ, इसमें इवन जो है आप कुछ भी रोल आउट करते हैं चीज़ तो इवन रोल होती है, और चकले में जो है वो चकला मुझे थोड़ा जो उसमें बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थोड़ा डगमगाता है चकला, अगर उसके नीचे कपड़ा भी रख दीजिए तो वो इवन शेप नहीं आती जो आपको चाहिए होती है। तो मैं इसलिए किचन फ्लोर का हमेशा जो है यूज़ करती हूँ, ये अपने जो हमारा ग्रेनाइट का फ्लोर है इसमें यूज़ करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसमें भटूरे। तो इक्वल साइज़ का जो रोल है वो ले लीजिए, अपनी रोटी जिससे आप जितनी आप रोटी के ले लेते हैं उससे डबल साइज़ का आपको जो है आटे का वो लेना है रोल, और इसको आप अच्छे से पूरे फ्लोर पे अच्छे से डस्ट कर लीजिए। तो देखिए गाइस, हमने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया हाथों से। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको कढ़ाई के पास ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा तेल से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे, और इसे फिर फ्लैट आउट करेंगे अपने बेलन से। और अपनी जो हमने भटूरे की जो साइड्स हैं वो बिल्कुल पतली मोटी नहीं रखनी है, इवन शेप के हमारे जो हैं भटूरे बनेंगे, और इसको हमने चारों तरफ से बढ़िया सा शेप देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चलिए गाइस अपना तेल चेक कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे मैदे का एक टुकड़ा और उसको चेक कर लेते हैं कि कितना वो बबल ऊपर आ रहा है। तो जब पहले मैंने डाला था तो वो नहीं आ रहा था, अब दूसरा दिखते डाल के। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म है, और इस पर हम अपना डालते हैं भटूरा। देखिए पकड़ेंगे इसको और सीधा इसको ऐसे डालेंगे लंबा करके, और सिर्फ 2 मिनट 2-3 सेकंड के लिए ऐसे ही पकने देंगे एक तरफ से, और इसको हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। तो ये देखिए ऊपर को आने लग गया है, अब इसको हम प्रेस करेंगे। इसे जो है दूसरी तरफ पलट देंगे, ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल रहा है हमारा भटूरा। और ये देखिए इसको हमने ऐसी दोनों तरफ से, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हो रखा है। इसको हम दोनों तरफ से ब्राउन कर लेते हैं, थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन सा कर लेते हैं, ताकि इसमें कच्चा टेस्ट जो है वो ना रह जाए। तो देखिए गाइस हमारा जो भटूरा है बिल्कुल रेडी है, और कितना गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम अपना दूसरा भटूरा बनाते हैं यहाँ पे। और देखिए गाइस अब छोले की भी यहाँ पे देख लेते हैं हमारे छोले के क्या हाल हैं। ये देखिए ये भी बड़े अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाले गर्म गर्म छोले और गर्मा गर्म उसके साथ भटूरे। ये देखिए ये क्या है, और ये हम इस स्टेज में गैस को कर लेते हैं अब बंद, और इसको हम थोड़ी देर तक ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे ताकि जो फ्लेवर्स है वो इंटैक्ट रहें। और यहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरा फिर भटूरा बना लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए कोई लोग जो है पूरी शेप का भटूरा खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ये देखिए पूरी शेप का बनाते हैं। सेम वही करेंगे, पहले थोड़ा सा डस्ट, फिर थोड़ा सा ऑयल, और इसको फिर हम बेल लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा पूरी शेप का है, इसको हम तेल में डाल लेते हैं यहाँ पे। और देखिए बबल्स उठने शुरू हो गए हैं, तो हमारा जो भटूरा है मीन्स ये देखिए ऊपर को आ गया। अब इसको हम हल्का हल्का सा साइड साइड से प्रेस करते जाएंगे, ये देखिए साइड साइड से प्रेस करेंगे तो बीच का जो भटूरा है वो ऊपर आके फूलेगा, ये देखिए। और इसको हम फिर पलटेंगे और इसको दोनों तरफ से क्रिस्प ब्राउन कर लेंगे। मसाले को जैसे इसको किया है देखिए कितना अच्छा है, अभी तक ये बिल्कुल फूला हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक गाइस हमारे छोले हैं रेडी, तो आइए इनको हम सर्व करते हैं बहुत ही प्यारे से प्लेटर में। ये देखिए वाह, और यहाँ मैंने पहले से प्याज और अचार जो है सजा कर रखा हुआ है,
इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया काट देते हैं ऊपर से, ये देखिए। और ये मेरे गार्डन का धनिया है, इतना फ्लेवरफुल धनिया, ये देखिए। इसके ऊपर थोड़े से डालेंगे अदरक के लच्छे और इसे सर्व करेंगे हरी मिर्च के साथ। तो ये देखिए, ये दो हरी मिर्च डाल लेते हैं यहाँ पे। अचार मैं हींग का अचार इसके साथ सर्व करती हूँ। और यहाँ पे डाल देते हैं अपने गरम 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 गरम, ये देखिए कितने अभी इसको बनाए हुए, देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अभी भी फूले हुए ही हैं। तो ये देखिए, ये इनको डालते हैं इसमें। और गाइज, आज मेरे घर में आई है मेरी कुछ फ्रेंड्स जो इसे टेस्ट करके बताएंगी आपको कि मेरे छोले भटूरे कैसे बने। तो चलिए चलते हैं उनके पास और बताते हैं आपको। तो देखिए गाइज, हमारे यहाँ पे छोले भटूरे हैं रेडी और इसको खाने के लिए आए हैं मेरे फ्रेंड्स। ये है मिसेस त्यागी, से हाय कायरा, से हाय कायरा, से हाय। और ये मेरी सेकंड फ्रेंड है सौम्या, ये भी मेरे छोले भटूरे टेस्ट करने आई है। और ये है चिक्की, और मेरी एक और फ्रेंड आने वाली है जो बहुत लेट लतीफ है। तो आइए इनसे ही टेस्ट करवाते हूँ मैं अपने छोले भटूरे। तो मिसेस त्यागी, आप स्टार्ट कीजिए। बहुत सॉफ्ट है। और ये देखिए, पहला बाइट लेती हुई मिसेस त्यागी और मुंह में डालती हुई, यम। तो ये था मेरा छोले भटूरों का रिएक्शन। अब टेस्ट करेंगी सौम्या। तो सौम्या आइए, ये मेरे संजीव कपूर और कुणाल कपूर है दोनों, ये हमारी डिश को टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट है। और अजय चोपड़ा जी अभी नहीं आए हैं घर के अंदर से। मजेदार ना, परफेक्ट परफेक्ट। और आप मेरे छोले भटूरों की खासियत बताइए कि आपको मार्केट जैसे लगे कि नहीं? एकदम मार्केट से भी बेटर। हाँ, एक्चुअली हेल्दी तो है ही है, वेरी सॉफ्ट, डिलीशियस, लाइक। और गाइज, ये लेडीज जो हैं, ये मेकअप करने जा रही थी, मैंने इनको बोला कि प्लीज आप ऐसे ही आ जाइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसी मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हैं। तो ये बिना मेकअप के आई हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनको फुल मेकअप के साथ आप देखेंगे। तो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अभी मेरी एक और फ्रेंड आने वाली है, उसको भी मैं आपसे मिलवाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरी तीसरी फ्रेंड। तो शी इज माई थर्ड फ्रेंड हिमानी सामंत, मिसेस सामंत। और आपको ये टेस्ट करके बताएंगे कि मेरे छोले भटूरे कैसे हैं। आइए मिसेस सामंत। वैसे तो मेरी दो फ्रेंड ने छोड़ा नहीं इनके लिए कुछ, पर तो अजय चोपड़ा ने भी मुझे पास कर दिया है, कुणाल कपूर, संजीव कपूर। टेस्टी है। तो मैं सबसे कहूंगी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, इतना टेस्टी छोला भटूरा मैंने कहीं नहीं खाया था। तो से बाय गाइस टू माय व्यूअर्स, छोले भटूरे भी मैं खाई। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो गाइस